हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल अ लिटिल थिंग्स। मैं हूं दीपाली और मैं आज आपके लिए लेके आई हूं एक ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन डिश जो कि है कोथिंबीर वड़ी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मगर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे हमने लिया है एक चम्मच तिल, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, आधा चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन, दो चम्मच चावल का आटा, एक कप बेसन, एक धनिया का गुच्छा जिसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और बारीक कट कर लिया है, और ऑयल। अब हम सबसे पहले धनिया में एक चम्मच तिल डालेंगे, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, एक चौथाई चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, दो चम्मच चावल का आटा, आधा चम्मच नमक या फिर आपके स्वाद अनुसार, एक कप बेसन, दो चम्मच तेल, अब इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका हमें आटा गूंदना है, तो हमें पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। तो हम इसे अच्छे से हाथों से इसका आटा गूंद लेंगे। तो ये हमारा आटा गूंद रहा है, तब तक हम छन्नी ले लेंगे जिसे हमें ऑयल से ग्रीस कर लेना है। हमें इसे स्टीम करना है तो हमें इसे छन्नी पे रखना होगा ताकि ये अच्छे से स्टीम हो जाए। हम इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और हमें स्टीमर को भी 10 मिनट के लिए गर्म कर लेना है। तो हम पहले इसमें 2 ग्लास पानी डालेंगे और इसे कवर करके 10 मिनट के लिए गर्म होने के लिए रख देंगे। अब हमारा आटा गूंद के तैयार है। अब हाथों में हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसके रोल्स बनाएंगे। तो ये हमारा पहला रोल रेडी हो गया है। अब हमने जो छन्नी में तेल लगाया था उसमें हम इसे रख देंगे। अब बाकी बचे आटे का भी हम रोल बना लेंगे और इसमें रख देंगे। तो ये हमारे रोल्स रेडी हो गए। अब हमारा स्टीमर भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये छन्नी रख देंगे और इसे लीड कवर करके 20 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए रख देंगे। तो 20 मिनट बाद ये हमारे कोथिंबीर वड़ी अच्छे से पक चुकी है, आप देख सकते हैं। हम उसे फोक डाल के चेक कर सकते हैं। तो अब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। तो पहले हम इसे कट कर लेते हैं। हमने इसे लंबे लंबे ऐसे पीसेस में कट कर लिया है। आपको जो पीसेस शेप में इसे कट करना है आप कट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे पैन गरम करने के लिए रख दिया है। पैन गरम अच्छे से गरम होने के बाद हम इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच राई और ये वड़ी रख देंगे, कोथिंबीर वड़ी।
सही से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक साइड से पकने के बाद हम इसे अच्छे से पलट देंगे। आप चाहिए तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, अगर आपको डीप फ्राई करके पसंद हो तो। हमें शेल फ्राई करके पसंद है इसलिए हम इसे शेल फ्राई कर रहे हैं। तो ये दोनों साइड से अच्छे से पक चुकी है और ये हमारी कोथिंबीर वड़ी सर्व करने के लिए रेडी है। तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारी रेसिपीज ट्राई करते रहिए। बाय बाय।